नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बैक फ्रॉम द जॉब्स ऑफ डेंजर। दोस्तों, आज मैं बिहार में हूँ और यहाँ दो दिन मेरा काम है। काम निपटा के फिर मैं सुंदरबन के लिए निकल जाऊँगा। सुंदरबन में मेरा प्रोग्राम है। सुंदरबन एक बहुत ही खूबसूरत नेचुरल वंडर है, जिसको आप बोलते हैं ना, और जिसके जो लैंडस्केप है वो बड़ी स्टनिंग है। उसका चार्म जो है बहुत मिस्टिकल है। अब मिस्टिकल को मैं हिंदी में कैसे बताऊं, बिल्कुल जादुई है, बाकी जंगलों से बिल्कुल भिन्न। इसीलिए बहुत दिनों से मैं ट्राई कर रहा था कि मैं सुंदरबन जाना चाहता था, बट अब की बार मेरे को मौका मिला है। मैं दो तीन दिन रहूँगा, परसों मैं निकलूँगा सुंदरबन के लिए, और फिर मेरा पैकेज है, मैं साथ में रहूँगा और वहाँ के लोगों से मिलना मेरा मेन मकसद है। जो ऐसी औरतें हैं जो विडो हैं, इस समय विडो हो गई है, जिनके इंसान हस्बैंड्स को मैनेटर्स ने मार दिया है, माय मोटिव इज़ टू फर्स्ट विजिट देम। फिर मैं वहाँ का जंगल भी देखना चाहता हूँ, और एक ज़बरदस्त डेल्टा है जहाँ तीन विशाल नदियाँ जैसे ब्रह्मपुत्र, गंगा, मेघना है, उसका मेल है, और 10,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ जंगल और वर्ल्ड का लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट है। घबराते भी ये लोग, कितने मैनेटिंग केसेस हुए हैं, बट आज सुंदरबन बिल्कुल अलग हो गया है। उसकी प्रोटेक्शन की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की पॉलिसीज है, उसकी वजह से आज कैजुअल्टीज बहुत कम हो रही। मेरे घर वाले भी चिंता कर रहे थे जब मैं वहाँ जा रहा था, बट ऐसा है नहीं, एक टाइम पे था, बट किसकी गलती थी। जो लोग छुपे छुपे जंगल में जाते हैं, और आप खासकर एक ऐसे जंगल में जा रहे हो जहाँ दलदल होता है, हाई टाइड्स, लो टाइड्स, तो हमेशा दलदल होता है, तो आप शहद लेने जा रहे हो, फिशिंग करने जा रहे हो, एक छोटी सी स्ट्रीम है उसमें जा रहे हो जहाँ दोनों तरफ मैंग्रोव जंगल है, जानवरों का खतरा है, शेरों का खतरा है, और वही खतरा को आप लेके आप क्या करें। वहाँ के लोग भी मजबूर हैं कि अगर नहीं जाएंगे तो उनका घर कैसे चलेगा। क्रॉप्स ज़्यादा होता नहीं, थोड़ा चावल उगा लिया, थोड़ी मछली पकड़ के ले आए, उसी में माछा जोड़ बना लिया, खा लिया, अलग अलग मछलियों से अलग अलग अपने जो है पकवान बनाते हैं। बड़ा मिस्टीरियस सा एक लैंडस्केप है सुंदरबन नेशनल पार्क का, जिसको हम बोल सकते हैं बड़ा डेलिकेट है, डायनेमिक है, कॉम्प्लेक्स है, उसमें सैकड़ों सलाइन क्रीक्स हैं। सलाइन यानी जो नमक मिल जाता है, क्योंकि वो समुंदर का भी पानी मिला हुआ है, और ये एक बहुत बड़ा कारण है कि जो सुंदरबन के टाइगर्स जो मैनिटर हुए थे ना, उनके अंदर थोड़ा चिड़चिड़ापन आ गया था, क्योंकि वो ये सलाइन वाला वही सॉल्टी पानी पीने से, तो वो नेचुरल पानी उनको मिलता नहीं, वो स्रोत उनको जंगल के अंदर कहीं पर जमा हुआ पानी है तो मिल जाए, तो वो हमेशा मिलता नहीं, तो अक्सर वो स्ट्रीम्स की तरफ आ जाते हैं जिसमें वो पानी मिला हुआ होता है। और वहाँ के गांव हैं, वहाँ के गांव वालों की कठिनाइयाँ हैं, जो और जंगल में भी कठिनाइयाँ होती हैं, बट सुंदरबन में कठिनाई बहुत अलग लेवल की है, मेरे को बताया गया जो जो लोग गए थे। और जो इस समय ये जो गलत धारणा है ना लोगों की कि बड़े बड़े टाइगर होते हैं सुंदरबन में, कैसे बड़े टाइगर सर्वाइव करेंगे। वहाँ का टाइगर का एवरेज वेट जैसे हमारे प्लेन्स में 180 से 200 केजी होता है, सुंदरबन में अगर वो 200 केजी को वहाँ वैरी करता है, 197 से लेके 120 केजी, 130 केजी तक चला गया, उससे अगर भारी होगा तो उस दलदली ज़मीन पे जानवरों को नहीं पकड़ सकता है। और ये भी एक कारण बनता है कि वो फिर इंसानों के पीछे पड़ जाते हैं, गाँव के अगल बगल आ जाते हैं। आज तो काफ़ी प्रोटेक्शन कर दी है गाँवों की, और मैंने सब वहाँ से खबर ली थी। तो जो उसका मडी टेरेन होता है ना, अगर वो ज़्यादा भारी हो जाएगा वहाँ का टाइगर, तो उस जो दलदली मिट्टी है उसमें उसका मनूवर करना, जो मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो ना तो वाइल्ड बोर पकड़ सकता है, ना तो वो हिरन पकड़ सकता है, तो मजबूरी में फिर इंसानों के पास आता है, जो जो लुके छुपे जंगलों में चले जाते थे और वहाँ से फिर वो शिकार हो जाते थे। तो इसमें कौन ब्लेम करने को, इंसान, शेर नहीं आ रहा था। बहुत कम केसेस हैं माइंड यू सुंदरबन के अंदर कि वो गांव में आके उठा ले गए, अब बहुत भूखा होगा, जिस समय पॉपुलेशन ज़्यादा थी, अभी तो पॉपुलेशन उनकी काफ़ी रिट्रीट कर गई है, नीचे आ गई हैं। एक टाइम पे इट वॉज एस्टिमेटेड कि
तीन डिकेड में करीब 3,000 इंसान खत्म हुए थे टाइगर द्वारा, यानी 30 साल के अंदर, नियरली 5 डिकेड में, 50 तीन भी नहीं 5 डिकेड, तो ये मान के चलिए 50 ईयर्स। बट जो रिसेंट खबर आई है वहाँ की, एक एवरेज 203 डेथ्स होती हैं, विच वॉज रिकॉर्डेड इन 2023, तो ये तो एवरेज है। कॉर्बेट में उससे कहीं ज़्यादा डेथ हो गई 4 महीने के अंदर, नवंबर से लेके नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी के अंदर ही वहाँ पर 8-9 लोगों को मार दिया है, क्योंकि वो मीटिंग टाइम भी होता है। और फिर वहाँ पर लोकली जो लोग टाइगर्स को बुलाते हैं हाला, दैट इज़ अ लोकल वर्ड, और जो दूसरा होता है वो बोलते हैं हडियर। और बन बीवी के बारे में आप सब जानते हो कि जंगल में जब भी लोग काम करने जाते हैं, चाहे फिशरमैन हो चाहे और लोग हो, इवन फॉरेस्टर्स बन बीवी को पहले प्रणाम करते हैं, ये है बन बीवी हमें आशीर्वाद दीजिए कि मैं जंगलों में जा रहा हूँ और वहाँ से हम सुरक्षित वापस आ जाएं। तो आज का ये छोटा सा वीडियो, इस समय एस्टिमेटेड है करीब 150 टाइगर्स हैं, है ना, काफ़ी स्लिप कर गया है वो पॉपुलेशन पहले से, तो बहुत डिफिकल्ट कंडीशन है टाइगर्स को सरवाइव करने के लिए सुंदरबन, बट ड्यू टू फॉरेस्ट की पॉलिसीज वो सरवाइव कर रहे हैं, उनको अब काफ़ी मात्रा में शिकार अंदर ही अंदर मिल रहा है, और काफ़ी गाँव को घेर लिया है नेट से, नेट लगाने की वजह से टाइगर्स जो है इंसानी बस्तियों की तरफ नहीं आ रहे हैं। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है सबके लिए, और इसको बोलते ही हैं कि सुंदरवन इज अ होम टू द फेमस वाइल्ड लाइफ वाइल्ड टाइगर्स ऑफ इंडिया, रॉयल बंगाल टाइगर। तो और इनका बिहेवियर ही है, क्योंकि अच्छे स्विमर्स होते हैं टाइगर्स, तो ये काफ़ी स्ट्रीम टू स्ट्रीम स्विम कर करके लंबा रास्ता उस यूनिक रीजन में क्रॉस कर लेते हैं। और कितना डेंजरस है जो उसके जो रूट्स होते हैं मैंग्रोव के जंगलों में, जो नॉटी वाले होते हैं, कि अगर उनके पैर उसमें अगर पड़ गए और उनके पैर में चोट आ गया तो कहाँ से शिकार करेंगे, तो उस वो भी एक रीज़न है कि वो नेचुरली जो है मैनेटर्स हो जाते हैं। बहुत से रीज़न है, उन्हीं को फाइंड आउट करने हैं। मैं सुंदरबन जा रहा हूँ, लोगों से भेंट करूँगा जिनके घर वाले शिकार हुए हैं, क्या कारण पे हुए थे, क्या करने गए थे। हालांकि बहुत से यूट्यूबर्स ने ये डाल रखा, बड़ी डॉक्यूमेंट्रीज, सुंदरबन तो वर्ल्ड हेरिटेज जगह है, बहुत डॉक्यूमेंट्रीज इंटरनेशनली भी बनी है ना। तो अब एक तो हेनरीज आइलैंड है, वो इंटरेस्ट है मेरा कि देख लूँ, मिक्स ऑफ बीच एंड मैंग्रोव, तो हेनरीज आइलैंड इसीलिए फेमस है। तो अब देखता हूँ, बहरहाल ये वीडियो मैंने डाला था कि मेरे जितने भी जानने वाले हैं दे मस्ट नो कि मैं इस समय बिहार में हूँ, 2 दिन काम है मेरा, फिर मैं सुंदरबन के लिए निकल जाऊँगा। तब तक के लिए वेट करिए जब वहाँ से मैं वीडियो डालूँ, और उम्मीद करता हूँ बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड कर पाऊँगा। तब तक के लिए आप लोग हेल्दी रहिए और तगड़े से रहिए। थैंक यू।